सर, इनको तो कम से कम ये बात की शर्म आनी चाहिए कि स्टूडेंट के सामने ये लोग सच नहीं बोल पा रहे हैं। कम से कम बताएं तो नो डेथ हुई है। नो डेथ आप ये बोलो कि किसी के लंग्स में पानी भर गया है। अरे सर एक बात बताओ, अगर इस बंदे की अगर लंग्स में पानी भर गई है, ये अनकॉन्शियस है, तो इसकी बॉडी को ढक के ले जाएंगे क्या? सर 3 मिनट में 12 फीट पानी बढ़ा है सर, क्या क्या जिंदा रहेंगे लोग? आप नो डेथ आप बोल रहे हो, ये आप सर एलिगेशन लगा रहे हो। एम्बुलेंस आई है, सारों में बॉडी गया है सर, कैसे गुस्सा नहीं आएगा? गवर्नमेंट झूठ बोल रही है यहाँ पर। ये बात स्टूडेंट के सामने कम से कम एक्सेप्ट तो करें, नो डेथ हुई है। हाँ जी, दिल्ली स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में तो आप सभी ने देखा ही होगा और आप सभी को सपोर्ट भी करना चाहिए। जितने भी बड़े यूट्यूब चैनल हैं, खास करके जो न्यूज वाले आगे आ रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि जो कोचिंग सेंटर हैं उनको भी बच्चों को इस टाइम पे सपोर्ट करना चाहिए। किस किस मामले में सपोर्ट करना चाहिए और बच्चों की डिमांड क्या है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वे में हम बात करेंगे। इस वजह से वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और इन बातों पर गौर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहली बात तो बहुत ही ये दुखद घटना थी कि 3 बच्चों की डेथ हो गई सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिनट पानी बारिश हुई और उसकी वजह से बेसमेंट में इतना पानी भर गया कि मौत का मंजर बन गया वो बच्चों के लिए, ठीक है। और बाकी के बच्चे जो है वो किस हालात में बाहर आए, किस हालात में, मतलब कुछ एक बच्चे जो है जख्मी हुए हैं उनका तो नंबर बता भी नहीं रही है गवर्नमेंट बच्चों को। तो सबसे पहली डिमांड तो बच्चों की यही है कि हमें एग्जैक्ट नंबर बताया जाए कि कितने बच्चों की डेथ हुई। अभी तक 3 बच्चों की कंफर्म की है गवर्नमेंट ने और कितने बच्चे जख्मी हुए हैं ये भी हमें क्या बताया जाए, एग्जैक्ट नंबर बताया जाए। और उसके बाद में ये बताया जाए कि उन बच्चों को जो हमारे साथी हैं, जो अब हमारे साथ में नहीं है, वो उनको क्या कंपनसेशन देगी। अब 10 लाख रुपीस बोलेगी जो कि बहुत एक्चुअल में बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। इतनी इतनी हाई फीसेस के बावजूद वो बच्चे, मतलब कि उनकी जान चली गई जिनके लिए अभी पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो कंपनसेशन उनकी फैमिली को जाएगा, तो क्या आप उनकी फैमिली की ये मदद करेंगे? तो अब आप ये सोचिए कि जो RAUS कोचिंग सेंटर था जिसके बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी और वहां ये दुर्घटना हुई है, वहां पे तो उन्होंने तो कुछ कंपनसेशन अनाउंस भी नहीं किया। ये जो 10 लाख रुपए है ये गवर्नमेंट की साइड से अनाउंस हुए हैं। तो बच्चों की ये डिमांड है कि RAUS का टर्नओवर 200 करोड़ का है, 200 करोड़ का है सालाना, 200 करोड़ का सालाना टर्नओवर है, तो क्या वो बच्चों को एक अच्छा कंपनसेशन नहीं दे सकते? ठीक है, जो उनसे गलती हुई है वो अलग बात है, क्या वो बच्चों को अच्छा कंपनसेशन नहीं दे सकते? दूसरी बात कि जितने भी मान लो कि जैसे कि दृष्टि IAS पे बात हुई, अवध ओझा सर पे बात हुई, तो वो लोग बच्चे उनको अपना बहुत अच्छा मेंटर मानते, चलो ठीक है उनके कोचिंग सेंटर में बात नहीं हुई, उनको बहुत अच्छा मेंटर मानते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा भी हमने, लेकिन ऑन द स्पॉट वो उनके साथ आके खड़े नहीं हुए। आप अब भी वो उनके साथ आके खड़े नहीं हो रहे हैं, बस उन्होंने लेक्चर दिए और लेक्चर में क्या बोला है, लेक्चर क्या अपना इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू में उन्होंने क्या बोला है कि ये कोई मतलब अवध ओझा सर ने ये बात बोली है कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये डायरेक्शन लेस है। तो इस बात से बच्चों को और भी ज्यादा गुस्सा आया कि ठीक है आप हमारे मेंटर हैं, आप ये बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट जो है वो डायरेक्शन लेस है, तो आप आइए हमारे साथ, आप हमें डायरेक्ट कीजिए। और बात भी सही है भाई, अगर आपको डायरेक्शन लेस लग रहा है तो बच्चे आपसे सीख रहे थे बहुत समय से और आप उनको सिखा भी रहे थे, तो आज जब रियल टाइम आया है उनके साथ खड़ा होने का तो आप उनसे साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे, बल्कि उसकी बजाय आप ये बात बोल रहे हैं कि मतलब कि ये डायरेक्शन लेस है। अब तीसरी बात और जो सबसे बड़ी जो समस्या है अभी बच्चों के साथ में वो क्या है कि बोले कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन अरे पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है, जितनी भी लाइब्रेरीज है वो सारी की सारी बेसमेंट में है और जो ऊपर लाइब्रेरी है जो बेसमेंट के अलावा बनी हुई है उन्होंने अपनी फीस 7,000 रुपए कर दिया है, और ये कहां इंसानियत की बात है यार, इंसान कहां तक, अब ये पैसा साथ तो लेके जाएगा नहीं, अब इंसान इतना फायदा इंसान का ही उठा रहा है तो आप बताइए कहां जाएगा। यानी कि जिस लाइब्रेरी की फीस 1500-2000 मैक्सिमम हुआ करती थी अभी उसकी फीस 7,000 रुपए कर दी गई है और वहां पे स्टूडेंट पूरे भी नहीं आ रहे, क्योंकि UPSC की स्टडी ऐसी है कि अगर आप आधा दिन भी नहीं पढ़ते तो आप आधा दिन अपनी नौकरी से पीछे चले गए, ये बात है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि इन सिचुएशंस में, अच्छा जो रूम रेंट थे इतने रूम रेंट का, रूम रेंट 15-15, 20-20 हजार रूम रेंट दे रहे हैं बच्चे, छोटे से रूम का 12,000 रुपए रूम रेंट बताया गया। कल एक बच्चे की वीडियो वायरल हुई कि 12,000 रूम रेंट है, खाने को हमें कुछ खास नहीं दिया जाता, ठीक है। अभी एक दो वीडियोस के आपको दिखाएंगे कटिंग्स भी जिसमें बच्चों ने
कुछ बातें ऐसे बोली जो सच में दिल को लगी है। तो इस वजह से ये बच्चों की डिमांड्स हैं। आज अगर एमसीडी एक्शन लेती है, बहुत अच्छी उनको लाइब्रेरीज, बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं, तो बच्चे कुछ आपको बेटर ही करके देंगे। क्योंकि अगर आप ये बोलते हैं कि जो यूथ है वो हमारी आने वाली जनरेशन, आने वाली जो मतलब फ्यूचर है, उसका एक बहुत बड़ा पिलर है, तो आप उस पिलर को दबाइए मत, उसको उठाइए। उसको उठाने के लिए आपको उसकी थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी। आप ब्यूरोक्रेट्स को इस सिचुएशंस में दे रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस दे रहे हैं, तो वो आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं उनके मानसिक दबाव जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं उनकी जॉब पे भी इम्पेक्ट करेगा। तो देखिए, ब्यूरोक्रेट्स एक डिस्ट्रिक्ट का, आपको पता है एक डिस्ट्रिक्ट पूरी उनके अंडर होती है, पूरी डिस्ट्रिक्ट का शासन उन्होंने संभालना होता है, तो आप उनको किस टाइप की परिस्थितियों में वहां पे पढ़ा रहे हैं। पूरा वर्ल्ड देख रहा है आज के टाइम पे कि ब्यूरोक्रेट्स बना रहे हैं ये लोग, और किस सिचुएशंस में इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, पूरा वर्ल्ड देख रहा होगा। क्योंकि देखिए, अगर इंडिया की नजर दूसरे देश की खबरों पे रहती है, तो दूसरे देशों की खबरों पे, देशों की नजरें इंडिया की खबरों पे क्यों नहीं रहती होंगी, सिंपल सी बात है। तो प्लीज हेल्प स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की हेल्प कीजिए, ठीक है। और ये जो डिमांड्स हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, ताकि बच्चे अपनी लाइब्रेरीज में बैठ के, अपने रूम पे बैठ के अच्छे से पढ़ सके। थैंक यू सो मच।